हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत कौर बोल रही हूँ लाइफ मेसमराइज से। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अगस्त मंथ की, अगस्त 2017 की रीडिंग लेके आई हूँ, फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, करियर को लेकर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं वो मेल्स की रीडिंग है, और राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं वो फीमेल्स की है। और मैंने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड भी पुल किया है कि आपको कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है ताकि आप अपने फाइनेंस को कांस्टेंट और एबंडेंस में फ्लो करवा सकें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड है इस बार डिवाइन मेल्स के लिए वो ये है कि हाई प्रिस्टिस का जो कार्ड है वो रिवर्स आया है, और ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने फेमिनाइन, यानी कि आपकी जो भी कलीग्स हैं, फीमेल कलीग्स हैं या कोई भी फैमिली मेंबर है फीमेल्स में, वो आपको थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं इस बार, बट आपको उन पर उस चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है अपने आप पे। आपको अलर्ट रहना है कि कोई भी फीमेल आगे आपको मैनिपुलेट करके आपको आपका एडवांटेज ना ले जाए। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये महीने अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं पार्टनरशिप करने का तो मत कीजिए। और ये कार्ड ये एडवाइस कर रहा है कि अभी आपको फ़िलहाल अकेले ही अपने पैशनेट अकेले ही करना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस को इतना हाई लेवल पे ले जाइए कि आप खुद वो चीज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है वो फायर का कार्ड है। फायर का कार्ड इंडिकेट करता है कि आप में एक पैशन आ रहा है फिर से, आप पैशनेटली अपने काम्स को कर रहे हैं और आप करेंगे भी, और आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ आ रहे हैं लेकिन उसके ऊपर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये चीज़ें वर्क करेंगी या नहीं, आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ स्पेशली मेल्स को, कि अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप अकेले में इतनी कैपेबिलिटी है, तो आप अपने सारे आइडियाज़ को एक इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और उसमें से आप काफ़ी सारी चीज़ों को जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है एनहेंस कर सकते हैं। और एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहती हैं, ये जो कार्ड है वो रिवर्स में आया है, वैसे ये इसका अपराइट है सेवन ऑफ एयर यानी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फ्रेंड्स, मुझे ये लग रहा है कि आपको जो भी लिमिटेड थिंकिंग है उसमें से बाहर आना है, एक आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचना है, कुछ नया क्रिएट करना है। अपने माइंड को एक स्टिलनेस दीजिए, आप अपने माइंड को कंडीशन मत कीजिए, एक फ्रीडम से काम कीजिए। अगर आप चाहते हैं इंडिपेंडेंटली बिजनेस करना तो कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी थॉट्स हैं वो एक पॉजिटिविटी दीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं आप में और आप क्या कर सकते हैं। हमेशा थैंकफुल रहिए वो चीज़ों के लिए, और कोई भी चीज़ के लिए, किसी के लिए भी किसी को ना ब्लेम करें ना कंप्लेन करें। ये एंजल्स आपको एडवाइस देना चाहती हैं। और अगर अगस्त के मंथ में आप वाइट और ब्लू कलर अगर ज़्यादा पहनते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो आपको एक मेंटल क्लैरिटी देगा। और फ्रेंड्स, ये सेवन नंबर का कार्ड है, और ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो इट मीन्स गॉड जो है वो आपको कुछ लेसन्स देना चाहते हैं, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको डेवलप करना चाहते हैं। तो प्लीज़ नेगेटिव मत होइएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपका अगस्त का महीना थोड़ा पैशनेट रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा, और आपको एक मेंटल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है जो आपको करनी है। ओवरऑल आपका अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कह रहा है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, क्वालिटीज़ हैं कि आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हमने पूरे वर्ल्ड को बदलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट अपने आप को बदलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है।
सो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी कोई भी सिचुएशन में स्टक हो रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, तो आप अपने आप को यही अफर्मेशन दीजिएगा कि मैं अपनी दुनिया, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को जैसे चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। ये आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को देनी हैं। सो फ्रेंड्स, मेल्स के लिए यही मैसेज है कि आप पॉजिटिव रहिए, पैशनेट रहिए अपने काम को लेकर। जिस चीज़ में आपको पैशन फील होता है वो चीज़ कीजिए। डेफिनेटली गॉड आपको उसमें हेल्प कर रहे हैं, और एक मेंटल क्लैरिटी भी लाइए। और फीमेल्स के लिए अगस्त 2018 फाइनेंस के मैटर में ये रहता है कि वो काफ़ी पीसफुल रहेंगी, फाइनेंस मैटर्स को लेकर काफ़ी हैप्पी रहेंगी, वो इंटरनली हैप्पी हैं और एक अच्छा मोमेंट एंजॉय कर रही हैं, वो इमोशनली काफ़ी हैप्पी हैं, शी इज़ सेटिस्फाइड व्हाट शी इज़ अर्निंग। और दूसरा जो कार्ड है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ कार्ड के आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो अभी बाहर आ रही है। अगर आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रही हैं अपनी लाइफ में, सो फ्रेंड्स, जो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, जो आपकी इनर वॉइस है, वो अभी बाहर उभर के आएगी और वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। और फ्रेंड्स, जैसे ये अगस्त का मंथ है और आपको फीमेल्स को अगस्त का ही और 8 नंबर का ही कार्ड आया है, और लायन जैसी एनर्जी इनमें रहेगी ये मंथ, और वो काफ़ी पैशनेट और एग्रेसिव, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री रहेंगी, बट एग्रेसिव का मतलब रहेंगी वो काफ़ी पैशनेट रहेंगी अपने काम को लेकर, और बहुत अच्छे से फुल फ्लेजली अपने काम को करेंगी। उनके अंदर एक अंदर से एक इंटरनल पावर क्रिएट होगा ये मंथ। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है 10 of Cups के कोई फीमेल जो मैरिज के लिए भी वेट कर रही हैं, तो वो उनकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फ्रेंड्स, वैसे ये फाइनेंस को इंडिकेट करता है, और अगर वो हमेशा हैप्पी रहेंगी तो वो फाइनेंस को बहुत इजीली अच्छे से क्रिएट कर पाएंगी। और उनको एंजल्स ये मैसेज दे रही हैं, ये भी रिवर्स कार्ड आया है 7 of Pentacles। फ्रेंड्स, मुझे ये लग रहा है फीमेल्स को लेकर कि फीमेल्स जो हैं वो बार बार इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो खुश भी हैं लाइफ में, उनकी इनर स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है, लेकिन वो फिर भी अपने पास्ट की तरफ देखती रहती हैं और डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से उनके फाइनेंशियल मैटर्स डिस्टर्ब होते हैं। और गॉड ये कह रहे हैं कि आपको पीछे नहीं देखना है, आपको अपनी पास्ट लाइफ से, आपकी पास्ट में जो भी हुआ है उससे आपको लेसन्स लेना है, ना कि आपको उस पर सैड होके बैठ जाना है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में या आपके एक्स लवर या जो भी है, आपकी एक पहली कंपनी, उसके बारे में आप सोचते हैं कि वो ज़्यादा बेटर था, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। सो फीमेल्स को मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने पास से बाहर आइए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, और आपके एकदम पेनफुल अगर रहा है किसी के भी साथ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि आपको ह्यूमिलेट किया गया या एक्सप्लोइटेशन आपका किया गया है, तो फ्रेंड्स, उसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लीजिए, ना कि उसको नेगेटिव वे में लीजिए। उसकी वजह से ही आपके अंदर एक इंटरनल स्ट्रेंथ जनरेट हुई है। और ये नंबर भी 7 है, और 7 of Pentacles ये कह रहा है कि अपने पास से बाहर आइए, अपने थॉट्स को एक क्रिएटिविटी दीजिए, ग्राउंडेड रहिए, रिजिडनेस मत दिखाइए, और जो है लाइफ को एक ईज से जीना शुरू कीजिए। और आपको येल्लो कलर ज़्यादा लेना है ये मंथ में, आप येल्लो कलर एंड वाइट कलर। एंड फ्रेंड्स, फीमेल्स के लिए लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन है वो ये है कि फिज़िकल वर्ल्ड में जो भी हम रहते हैं, अगर आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हैं कोई भी फीमेल, और वो ये चाहती है कि अगर मैं स्पिरिचुअल वर्क कर रही हूँ तो मैं मनी को कैसे डिमांड कर सकती हूँ, बट फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हमने एक ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लिया है तो मनी को अर्न करना भी हमारी नेसेसिटी है।
सो फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और मनी के बीच में आप क्लैशेस फील कर रही हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपको अर्थ पे सस्टेन करने के लिए हेल्प आउट नहीं कर सकता, बट आपको अगर फिज़िकल बॉडी में है तो आपको अर्निंग भी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ों को समझिए, बैलेंस कीजिए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, तभी आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह पाएंगी। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल मेल्स का ये दिख रहा है कि कुछ फ्लक्चुएशन है, फाइनेंस का कोई कार्ड आया नहीं है मेरे पास, बट उनको ये लग रहा है कुछ चैलेंजेस और मेंटली इमोशन और एक फीमेल की वजह से उनके काम में कुछ रुकावटें आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप उसमें से अपना फोकस हटा के आपका जो पैशन है उसकी तरफ करिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इन्वॉल्व हैं और आपने उससे ब्रेकअप कर लिया है, और अगर आपको लगता है गिल्ट फील हो रहा है कि आपने क्यों किया, जिसकी वजह से आपके फाइनेंस इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो आप उस पर्सन से फिर से रीयूनियन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सब कुछ आपके हाथ में है। मेल्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हैं, आपको कार्ड यही कह रहा है। और फ्रेंड्स, आपको वाइट एंड ब्लू कलर ज़्यादा पहनना है मेल्स को, और फीमेल्स के लिए आप अपने पास्ट को जितना जल्दी भूलेंगी और उससे कुछ सीखेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरी अगस्त मंथ की रीडिंग थी फाइनेंस और करियर को लेकर। अगर आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी पर्सनल और रिटेल रीडिंग करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी पर्सनल रीडिंग भी करूँगी। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे और पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ बने रहिए, और थैंक्स फॉर यू फॉर सपोर्टिंग मी एवरी टाइम।